हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं एंगुलर और लारावेल। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूले और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज से हम लारावेल और एंगुलर से लॉगिन और रजिस्ट्रेशन कैसे मैनेज होता है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम रजिस्ट्रेशन के लिए API क्रिएट करेंगे, यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए API क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर टेबल का नाम दे रहा हूँ यूज़र्स, और नंबर ऑफ कॉलम अभी के लिए 4 दे रहा हूँ, और गो पर क्लिक कर दिया। उसके बाद सबसे पहले ID, उसके बाद यहाँ पर नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये हमने यहाँ पर 4 फील्ड ले लिए। उसके बाद नेम में मैं यहाँ पर वेरकेयर, ईमेल एड्रेस में वेरकेयर, पासवर्ड में भी वेरकेयर, ID इंटीजर यहाँ पर 10 दे रहा हूँ, लेंथ नेम में भी यहाँ पर 20 दे रहा हूँ, या तो आप 10 भी ले सकते हैं। ईमेल में मैं यहाँ पर 30 दे रहा हूँ, पासवर्ड में 20 दे रहा हूँ, या 50 भी दे देते हैं। 50 दे दिया है मैंने यहाँ पर। इसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट सिलेक्ट करना है और प्राइमरी की रखना है ID को। तो ये हमने ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी रख दिया ID को, और मैं इस टेबल को सेव करता हूँ। ये हमारा जो टेबल है यूजर्स वो क्रिएट हो गया है, ID, नेम, ईमेल और पासवर्ड। अब हम इसके लिए API क्रिएट करेंगे। तो API क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें राउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर राउट क्रिएट करता हूँ। हम पोस्ट मेथड बनाएंगे क्योंकि एंगुलर से जो डेटा है वो पास होगा, जैसे कि नेम, उसके बाद ईमेल, पासवर्ड, वो जो चीज़ें हैं वो एंगुलर से पास होगी, तो वो पोस्ट मेथड में आएगी। तो मैं यहाँ पर पोस्ट के लिए API क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने पोस्ट ले लिया, उसके बाद यहाँ पर यूज़र, यहाँ पर हम यूज़र कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम वो क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लेता हूँ यूज़र कंट्रोलर, वो कंट्रोलर हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर मेथड बनाएंगे रजिस्टर। तो ये हमने यूज़र कंट्रोलर और रजिस्टर मेथड यहाँ पर डिफाइन कर दिए। अब हम यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर एम्प्लॉई और कंट्री कंट्रोलर यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं यूज़र कंट्रोलर। ये हमारी यूज़र कंट्रोलर .php क्रिएट हो गई। यहाँ पर हम नाम चेंज कर देते हैं यूज़र कंट्रोलर, और गेट कंट्री की जगह पे हमने जो मेथड यहाँ पर डिफाइन की है web.php में, वो मेथड हम यहाँ पर ले लेंगे रजिस्टर। ये हमारी रजिस्टर मेथड यहाँ पर हमने ले ली। अब यहाँ पर हमें पोस्ट में डेटा मिलेगा। यहाँ पे हमें ये मॉडल की अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसको निकाल देते हैं। अब पोस्ट में जो डेटा आएगा वो हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट में लिया हुआ है, रिक्वेस्ट $रिक्वेस्ट, तो वो हम यहाँ पर यूज़र कंट्रोलर में ले लेते हैं। अब जो भी यहाँ पर रिक्वेस्ट में आएगा वो हम DD करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं उसको। अब हम यहाँ पर राउट चेक करते हैं, और यहाँ पर बॉडी में पास करेंगे हम नेम जिग्नेश, ईमेल जिग्नेश 3094@gmail.com, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड में हम यहाँ पर ले लेते हैं admin@123। इतनी चीज़ें हम यहाँ पर पास कर रहे हैं, और हमने डेटाबेस में भी ये सारी फील्ड ली हुई है, नेम, ईमेल और पासवर्ड।
उसी को हमें इंसर्ट करवाना है। तो हम इसको अब पोस्ट मेथड को यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं यूज़र राउट को। हमें यहाँ पर डीडी मिल गया है जो हमने डाई करवाया है, और प्रीव्यू में हम देखते हैं तो यहाँ पर मिल रहा है नेम, जिग्नेश, ईमेल और पासवर्ड। अब इसी को हमें जो हमारा टेबल है उसमें इंसर्ट करवाना है। तो इसके लिए हम एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा एम्प्लॉई मॉडल है, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यूज़र डॉट पी एच पी, इसमें हमें अभी इंसर्ट यूज़र करवाना है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही मेथड रहेगी इंसर्ट करवाने के लिए, एड यूज़र, और क्लास का नाम होगा यूज़र। हमने यहाँ पर यूज़र डॉट पी एच पी में यहाँ पर क्वेरी लगाई हुई है डीबी टेबल एम्प्लॉय की जगह पर यहाँ पर यूज़र और इंसर्ट डॉलर डेटा। अब यहाँ पर हमें डेटा इंसर्ट करवाना है, तो हमने यहाँ पर एम्प्लॉय कंट्रोलर में यहाँ पर डेटा को इंसर्ट करवाया है हुआ है। हमें कौन सी मेथड यूज़ करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें मॉडल इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जो हमने एम्प्लॉय मॉडल इंपोर्ट करवाया हुआ है, तो यूज़र में हमने यूज़र मॉडल क्रिएट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर यूज़र लिख देता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यूज़र का, और उसके बाद हमें ऐड यूज़र की मेथड कॉल करवानी है। यहाँ पर हमने क्या किया है, डॉलर एम्प्लॉय मॉडल इज इक्वल टू एम्प्लॉय, हम यहाँ पर करते हैं यूज़र मॉडल, और यहाँ पर यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो रिक्वेस्ट हमें मिल रही है वो एक वेरिएबल में स्टोर करवानी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ऐड एम्प्लॉय में हम यहाँ पर रिक्वेस्ट डेटा को डायरेक्ट यहाँ पर भेज सकते हैं। तो ऐड एम्प्लॉय में हम क्या करेंगे, डॉलर रिक्वेस्ट, उसमें ऑल करेंगे, तो हमारा जो सारा डेटा है वो यहाँ पर मॉडल में चला जाएगा। हमने यहाँ पर एम्प्लॉय मॉडल यूज़ किया हुआ है, उसकी जगह पे यूज़र मॉडल, ऐड एम्प्लॉय की जगह पे हमने जो मेथड बनाई हुई है ऐड यूज़र, और डॉलर रिक्वेस्ट ऑल में हमारा जो रिक्वेस्ट में जो डेटा आ रहा है वो यहाँ पर चला जाएगा। हम उसको यहाँ पर डीडी करवाते हैं, डीडी डॉलर डेटा, जो कि यहाँ पर डॉलर डेटा में हमें मिल जाएगा। हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप से देख सकते हो कि एरे में यहाँ पर नेम, ईमेल और पासवर्ड हमें मिल रहा है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा डेटा जो है वो इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। तो हम एक बार सेंड करते रिक्वेस्ट, यहाँ पर दिखा रहा है कि बेस टेबल और व्यू नॉट फाउंड कंपनी डॉट यूज़र। तो हमने जो यहाँ पर टेबल बनाया है वो जो है वो यूज़र्स है, तो यहाँ पर हमें लिखना है यूज़र्स। अब हम रिक्वेस्ट सेंड करते और देखते कि हमारा डेटा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर इंसर्ट हो गया है, लेकिन जो हमें पासवर्ड है वो यहाँ पर ऐसे इंसर्ट नहीं करवाना है, वो इनक्रिप्टेड रखना है। तो इनक्रिप्टेड रखने के लिए हम हैशिंग का यूज़ करेंगे, जो लारावेल की लाइब्रेरी है। आप यहाँ पर laravel.com डॉक्स में चले जाएंगे, तो यहाँ पर सर्विसेज में जो ऑथेंटिकेशन है उसमें आपको यहाँ पर हैशिंग दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर 5.0 से प्लस जो वर्जन है उस पर आपको क्लिक करना है। हम यहाँ पर 5.1 में यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं, लाइब्रेरी हम देख लेते हैं कि लाइब्रेरी मिल रहा है कि नहीं। 5.1 में भी
आप देख सकते हो कि यहाँ पर लाइब्रेरी कैसे इंपोर्ट करवानी है वो यहाँ पर नहीं दिखाया हुआ है। तो मैं यहाँ पर 7.x वर्जन में चला जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हैज़ लाइब्रेरी कैसे यूज़ करना है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर यूज़ करके वो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाना है यूज़र कंट्रोलर में। उसके बाद हमें पासवर्ड को हैज़ में कन्वर्ट करना है, यानी कि इनक्रिप्ट करना है उसको। तो हम यहाँ पर डॉलर रिक्वेस्ट ऑफ पासवर्ड ये हमने यहाँ पर रख दिया। ये हमने क्रिएट करवाया हैज़, उसके बाद मेक, और उसमें हमें जो डॉलर रिक्वेस्ट और हमें पासवर्ड में जो हमें हम जो यूज़र ने डेटा डाला होगा वो यहाँ पर मिल रहा है। अब उसको क्या करना है, डॉलर रिक्वेस्ट ऑफ पासवर्ड में उसको स्टोर करवा देना है। अब इसको हम डीडी करवाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, इनक्रिप्टेड पासवर्ड मिल रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं। हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनक्रिप्टेड पासवर्ड मिल रहा है क्योंकि हमने पासवर्ड को यहाँ पर हैशिंग करके उसको इनक्रिप्ट कर दिया है। अब हम डेटाबेस में इसको इंसर्ट करवाते हैं, डीडी निकाल देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हो डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम पासवर्ड। तो हमने जो यहाँ पर साइज दी हुई है पासवर्ड जो हमारी कॉलम है उसमें हमें इसको चेंज करना है और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 200 और उसके बाद इसको सेव कर देता हूँ। अब हम चेक करते हैं सेंड करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी एरर नहीं आई। और हम यूज़र्स टेबल में देखेंगे तो हमारा जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड है वो यहाँ पर इंसर्ट हो गया है क्योंकि उसकी लेंथ 60 थी तो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर में 50 लिया हुआ था तो वो इंसर्ट नहीं कर रहा था। तो इस तरह से लारावेल में रजिस्ट्रेशन के लिए API हमने क्रिएट कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कैसे क्रिएट होता है एंगुलर में और लारावेल की API यूज़ करके हम डेटा को इंसर्ट करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।